गुरु
तेरे प्रेम जो मुझे तोड़ कर हरि तेरा प्रेम हरि तोड़ कर हरि तेरा प्रेम हरि तोड़ कर प्रेम सहित जी की सावधान जीवन चरित गम्य अभूत जीवन चरित गम्य अभूत भक्तिहीन की पावे पाप भक्तिहीन की पावे पाप श्रेष्ठ मार्ग गुणगान तुम्हारा मानव धर्म सहित निष्ठाना मानव धर्म सहित निष्ठाना देह के पीत विश्रामे देह के पीत विश्रामे सब धन तिर धन सुख धन सब धन तिर धन सुख धन जाके भगत प्रेम नहीं ज्ञाना जाके भगत प्रेम नहीं ज्ञाना भगत प्रेम और नाथे श्रद्धा भगत प्रेम और नाथे धन सब पिता पर भूमि सरकार
गुरु के मात बचन की भलाई गुरु के मात बचन की भलाई तो इससे भव का निरपरही जो इलेक्ट्रिक जो सेटिंग करने वाले
के अधिकारी थोड़ा सा गर्म हो गया, मेरी थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का बेटा, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप हमारे भाई ऋषि हैं और आपके आपके बात तो जय हम देखते हैं, हमारा नाम राम है और आपका नाम तो अर्थ लगाकर परशु राम है। थोड़ी सी मक्खन लगा के राम जी ने जगह की प्रशंसा करी, संसार में बड़ों के सामने मक्खन लगाना भी एक बहुत ही बहुत ही बड़े लोग हो, उनकी बड़ी प्रशंसा करो। हाथ जोड़ के नमस्कार किया, राम जी का व्यवहार देख करके परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए। परशुराम जी ने कहा, राम तू तो बड़ा परम स्वभाव है, तेरा भाई तो बड़ा गर्म भी जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, ये रहस्य क्यों तोड़ा? तब कहते महाराज, समुद्री रहस्य को तोड़ने वाला हो ही नहीं, कोई को दास को मारा ना, पिता बुधन भंजन हारा, कोई नहीं को एक दास को मारा, इस रहस्य को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मगर कोई आपका आपका भी उसमें दूसरा कैसे तोड़ देगा, आपका कोई सेवक होगा हमसे तोड़ा हो, ये भी कहा कि मैंने तोड़ा है, लोगों ने कहा किसी ने तोड़ा, लोगों ने कहा करने किसी ने तोड़ा, लोग भटकाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं भी आपका कोई सेवक ही होगा जिसने तोड़ा होगा। वो तो आगे राम उन्होंने जब तोड़ा मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तेरी बात कहीं विनम्र है, तू बड़ा ज्ञानवान बड़ा समझदार लड़का है, अच्छा मैंने सुना था कि सतयुग में त्रेता युग में वो परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, लोगों के मुंह से सुना है कि कहीं तुम दशरथ के घर में तो परमात्मा तो नहीं आ गए हो। राम जी पूछते हैं, लेकिन ऐसे में तुमको परमात्मा कैसे मालूम? बोल रहे हैं, एक अपना धनुष दिया, बोले ये लो धनुष मैं तुमको देता हूँ, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के दिखाओ तो वो धनुष तो तुमने तोड़ दिया, मेरे पास एक और धनुष है, ये शिव जी ने मुझे दिया था, और इस धनुष को यहाँ तोड़ के चढ़ा के दिखा दो, तोड़ना तो बात की बात है। बड़ा भारी धनुष था, क्योंकि परशुराम जी तो बड़े शक्तिशाली थे, और राम जी ने जैसे फेंका राम ने तुरंत पकड़ लिया, जैसे ताकतवर लोग पहलवान को इसे फेंक देते हैं तो दूसरा दूसरा पहलवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाण चढ़ाने का मतलब तो होता है कि किसी को मार रहा हो तो बाण चढ़ा देता है, अब मैं किसको मारू, कौन सी दिशा में छोड़ू? परशुराम जी हो रहे, परशुराम जी राम के तेज को देखकर और भगवान श्री राम के पराक्रम को देखकर उसी समय परशुराम जी कहते, राम मैंने 21 बार दुष्ट राजाओं का संहार किया, दुष्ट राजाओं का संहार, आप जानते होंगे थोड़ा बुरा नहीं मानना कि आपने देखा है कि चार भाई होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन आपसे कभी कभी कोई पूछता है आप कौन है तो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हो कि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय है ऐसे ही हमने थोड़ी सी हंसी की बात है कि परशुराम जी ने उसके बाद में पिताजी ने रोका भी नहीं, ऐसा क्यों करते हो? अच्छा पिताजी को ही परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि को मार दिया, अब सरस बाबू ने सरस राम जी उसको कहे बड़े गुस्सा हो गए उसके ऊपर, लेकिन जब उसने बहुत आक्रोश मचाया तो फिर उसकी अपने पर्दे से हजारों भुजाएं काट कर और उसके अंग को समाप्त कर दिया, उसके बाद भी इसका क्रोध शांत नहीं हुआ और भाई के वंश के जो राजा की ओर देखा
हमारा जो मन है ये अच्छा काम नहीं करता, इसको भी मानना चाहिए। तो राम जी की आगे थे और श्रीराम जी महित गिरी नाम के पर्वत पर चले गए और वहां पर एक शिष्य है उसका नाम है अकृत वर्ण और श्रीराम जी का शिष्य का नाम अकृत वर्ण। उसने बड़ी सेवा करी तो थोड़ा सा बढ़िया
अरे मैं इस महीने में पानी देने गई है, मुझे पूजा के लिए जल चाहिए, वो आई नहीं जरा उसको बुलाओ। लेकिन ना वो जल ला के दिया और ना माँ को बुलाया, क्रोध आया और परशुराम जी को आज्ञा दे दी कि तुम माँ को माँ का सिर काट दो। हमारे रामायण में लिखा है मात पिता गुरु प्रभु के वाणी और विनय ही विचार करिए शुभ जाए। माता पिता गुरु और प्रभु इन चारों की वाणी को बिना विचार ही कर देना चाहिए। बस उसने सोचा आपको सोचा नहीं, अब पिताजी की आज्ञा है बस माता फिर छाड़ दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, तेरे चार भाइयों ने तो तेरी मेरी बात मानी नहीं और तूने मेरी बात मान ली, मैं तुझे वरदान देने की इच्छा है तो वरदान देता हूँ। बोले महाराज मैंने माँ को मारा है, ये मेरी माँ को याद रहा है और मेरी माँ जीवित हो जाए, तीन वरदान मांगे थे। तीसरा वरदान उन्होंने कहा था कि तेरे जो भाइयों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी वो सब पागल हो जाए, उनको पागल होने का विक्षिप्त हो जाए। आपको कहीं संसार में कोई काम करना होता है ना तो रिस्क लेना पड़ता है। परशुराम जी ने कितना बड़ा रिस्क ले लिया माँ को मारने का, लेकिन उनको मालूम था कि मेरे पिताजी माँ को जीवित कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस था उनकी तपस्या के ऊपर। मैं समय की मर्यादा में आपको एक दो बातें और कह करके जल्दी से अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले चलो। एक परशुराम जी के जीवन की ये बात करी, अभी तो आपको ये पहले के एडवांस में हम लोगों ने परशुराम जयंती मनाई है, लेकिन अभी हमारे पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो अभी आई नहीं है अभी आने वाली है, अक्षय तृतीया को अभी उसकी जो तीन चार दिन है तो वो जो मनाई जाती है और उसको अपने आप मना सकते हैं। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया जो होती है और इनकी माता का नाम है रेणुका। अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ किया जाए अक्षय होता है। जमदग्नि के पुत्र है, आवेश होता है, इनके तीन नाम है, एक नाम है पंडित जी ने नाम रखा नाम, लेकिन जमदग्नि के बेटा हर से का नाम है दानवदग्नि और तीसरा शिव जी ने परशु दे दिया परशु जुड़ गया परशु राम, कौन से राम परशु वाले राम परशुमान करता इसलिए नाम परशु हुआ। परशु फरसे को लेकर शंकर भगवान जी ने विद्या प्राप्त की। एक परशुराम जी का गायत्री मंत्र है मेरे पास, आप भोजन जप लीजिए आज के दिन परशुराम गायत्री जपने का भी महत्व है। सब बोले ओम महावीराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ये परशुराम कहते हैं राम राम परशुराम प्रचोदयात्। ये अत्री की पत्नी अनसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोकानुद्रा और इनके शिष्य हैं उनका नाम है अकृत व्रण, तीनों ने मिलकर नारी जागृति के लिए बड़ा भारी अभियान चलाया था जो आज भी कई बार लोग परशुराम एजुकेशनल सोसाइटी वैंकूवर में है। उनका सपना है कि परशुराम जी के जो सपने थे उनको हम पूरा करें। महाभारत में मैंने पढ़ा कि जब कलयुग घनघोर आ जाएगा उस समय एक अवतार होंगी भगवान के बना होगा कल्कि अवतार, और कल्कि अवतार को परशुराम जी कहेंगे कि वो कल्कि आएगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा और उसको मैं फिर विद्या पढ़ाऊंगा
मां बाप बंधु और दीन हीन दुर्वर्ग सारे मैंने
अन्यायी धर्म भय राजा हरते से हलकारे मैंने ब्राह्मण हूँ धरती माता का मैं कष्ट भला कैसे सहता राष्ट्रमेध सर्वतम दान बिंदी पर कैसे रहता। अगर अभी को अपने अधिकार में लिया तो कश्य ऋषि को दान कर दिया अपने बात और पानी को दी और समस्या करने चले गए। ब्राह्मण सबसे बड़ा पानी होता है। ब्राह्मण का मतलब जो भगवान का भक्त है। आप लोग जाति जरूरते हैं बैठक पर दंड देता हूँ, थोड़ा सा चिंती करता हूँ, माँ बाप के
सेवा करता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, दुनिया का टॉप बल्लेबाज मैं, टॉप फैंसी मारता, वनडे मैच में सबसे ज्यादा मैं रन बना के दिखलाता, टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से भी ज्यादा रन ले नहीं पाए, और राशि विभूषण मिला मुझे, लेकिन मास्टर 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 खेल जगत ने कहा मुझे अपना ले एनजीओ में की सेवा का करते हैं प्रयत्न, मैं क्रिकेट का प्रथम खिलाड़ी जिससे मिला है, जिसे मिला है भारत रत्न, दुनिया में प्राण पुत्रों का मैंने सम्मान बढ़ाया है, विषयों के पुत्र जाग उठो, हम नया कलेवा आया है, खुद जग की नौबत के बारे में था अपनी जाति को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर हम लोग आगे बढ़ने को चर्चा करके दिखाए, तो ये इस बात के ब्राह्मणवाद की बात नहीं समझना, ये आज हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हिंदुस्तान एजुकेशन सोसाइटी अपने कार्य में आगे बढ़े और ब्राह्मण लोग बढ़ चढ़ कर नए मंदिर में भी हमारा योगदान कर ही रहे हैं, करेंगे हमें ऐसा विश्वास है और आगे सब बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर 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 नमः पार्व